प्रकाश टीवी देखने वालों का मैं शशि चरण से एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो अभी जैसे कि पंचकुला में मेयर और पार्षद पद को लेकर चुनाव है, तो आज मैं पहुंची हूँ पंचकुला के वार्ड नंबर 6 राजीव कॉलोनी सेक्टर 17 में, जो आज हम मिलेंगे मुकेश सिरसवाल से, जो कि पार्षद पद के लिए आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं। तो चलिए जानते हैं कि जो 27 को मतदान है उसको लेकर उनकी क्या तैयारियां चल रही हैं और कैसे प्रचार चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आज प्रकाश टीवी पे आपका स्वागत करती हूँ। तो कैसी तैयारी चल रही है, अभी मतदान है और 27 तारीख को मतदान है, उसको लेकर? मैं मुकेश सिरसवाल, वार्ड नंबर 6 से आजाद उम्मीदवार। जैसा कि आप मेरे से पूछ रहे हो कि हमारी तैयारी क्या कैसी चल रही है, तैयारी तो उसकी चल रही है जो आदमी बाहर से आके लड़ रहा हो। मैं तो यहाँ का बच्चा हूँ, पिछले 18 वर्षों से मैं इस कॉलोनी की सेवा कर रहा हूँ। मैंने 11 काम जो है बिना एमसी रहते हुए ऐतिहासिक करे, जितने पार्षद आज तक बने उन्होंने वो काम नहीं किया जो मैंने बिना पार्षद रहते किए हैं। इस कॉलोनी में सबसे बड़ी जो समस्या थी पानी जो है, यहाँ पे सार्वजनिक नल, जब ये कॉलोनी बसी थी तो यहाँ पे सार्वजनिक नल जो है पहले के सीएम ने, यहाँ के एमएलए ने दिए थे, वो इस कॉलोनी में गिनती के मात्र थे। 8 या 10 नल होंगे, वो सारी कॉलोनी उन 10 नलों से ही पानी पीती, लाइन लगी होती थी यहाँ पे, और लाइन इतनी लंबी लगती थी। एक आदमी 12,000 रुपए की जो तनख्वाह लेने वाला, 15,000 रुपए की जो तनख्वाह लेने वाला एक मेंबर है घर का, वो पानी के लिए ही रहता था हमेशा, जो कहीं और नौकरी कर सकता है। यही बराबर में नाला बहता है। जो लाइन जो उन्होंने लगवाई थी वो सेक्टरों की तरफ थी, उस रोड पे थी, यहां से पाइप जो है लोग लेते थे और वो कई बार टूट जाते थे बरसात के पानी आने से, उसके कारण गंदा पानी भी उनके घर तक पहुंचता था, जिसके कारण बीमारी का शिकार भी यहाँ के लोग रहते होते थे। जब हमने यहाँ पूर्व विधायक स्वर्गीय डी के बंसल जी की मदद करी यहाँ से, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई आपको क्या काम यहाँ के लिए लेना है। मैंने कहा मैंने तो यहाँ पे सार्वजनिक जो नल है उसको हटाकर घर घर पानी देने का वादा आपके चुनाव में करा था, और मेरी दिली इच्छा है, क्योंकि मैं भी मोली जागरा से पानी मांग के पी रहा था, मेरी दुकान थी रोड पे। तो मैंने उनको बताया कि इस कॉलोनी के चारों तरफ 4 ट्वेल का हमें निर्माण करना पड़ेगा, 4 ट्वेल इस कॉलोनी में लगाए, और 4 इंच की पाइप जो है इस कॉलोनी के चारों तरफ डलवा के 1 इंच की पाइप जो है गलियों में भी घनी तरीके से सार्वजनिक लगवाई। और आज लोग जो है, जितने भी घर हैं सबके घरों पे आप देख सकते हो टंकियां रखी हुई हैं प्लास्टिक की, लेंटर के अच्छे मकान बन रखे हैं। ये कॉलोनी वैसे तो अवैध इसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पे गांव जैसी सुविधा यहाँ के लोगों को मिल रही है। अभी पार्षद नहीं रहते हुए आपने इतना कुछ किया, अभी पार्षद बनते हैं तो क्या मुद्दे हैं जो आप पूरा करने वाले हैं? देखो जी, मैंने तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे पेंडिंग पड़े हैं जो मेरे पास, तो मैं पार्षद नहीं हूँ, जिनके पास वो मोहर है, जिनके पास वो पावर थी, जिन्होंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, इसको केवल बिजनेस समझ रखा है। यहाँ पे बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि जो परिवार यहाँ रहता है उसको प्रॉपर तरीके से जो है राशन कार्ड से राशन नहीं मिलता, सबसे बड़ा मुद्दा है। मोदी जी आएंगे, अच्छे दिन लाएंगे, एक बहुत बड़ा नारा आपने सुना, मोदी जी आए और इस कॉलोनी के लिए बुरे दिन आए, किस रूप में? कि सबसे पहले पहली कलम से उन्होंने हमारे बीपीएल राशन कार्ड काटे, जो राशन कार्ड हमने अपने माध्यम से खुलवाए थे पूर्व विधायक से स्वर्गीय श्री डी के बंसल जी से,
वो नए राशन कार्ड पे कोई भी दाना लागू नहीं हुआ आज तक, सबसे बड़ी दिक्कत है। तो आप कह रहे हो कि मैं क्या कराऊंगा, सबसे पहला जो काम होगा जो परिवार यहां रहता है उसको 100% परिवार को अनाज दिलाने का काम करूंगा। ठीक है, तो जैसा कि अपनी विपक्षी दल भी इस वार्ड में कहीं ना कहीं खड़े हैं उम्मीदवार के लिए, तो उनसे कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए? देखो जी, चुनौती उनको है, मेरे को तो मेरा परिवार चुनाव लड़ रहा है, मैं तो आजाद उम्मीदवार हूँ। आजाद उम्मीदवार का मतलब समझते हो कितना बड़ा, उसमें झंडा भी हमारा होता है, पार्टी का तो नहीं है, हर चीज हमारी अपनी होती है। लेकिन मुझे इतना महसूस नहीं हो रहा है कि मैं आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा हूं या मुझे ज्यादा दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है। आज मैं जब मैं जाता हूं कहीं पे तो लोगों की उम्मीद और जो विश्वास मुझे मिल रहा है, मैं उस मालिक का शुक्र धन्यवाद करता हूं कि मुझे इन लोगों के बीच में पैदा किया, जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद अपना बच्चा समझ रखा है। 11 ऐसे ऐतिहासिक काम है जो मैंने बिना बने किए हैं, मुझे काम कराने भी आते हैं करने भी आते हैं। मैंने 36 काम और इस कॉलोनी के लिए रखे हुए हैं, बहुत बड़ा एक घोटाला, यहाँ पे खंभों के नाम पे डंडे लगाए गए हैं बांस के, यहाँ पे खंभे के बिल पास हुए हैं और जो तारे लटकी पड़ी हैं जो देख रहे हो आप, कभी भी किसी को जान माल का खतरा हो सकता है, हर एक आदमी के घर पे करंट लटका पड़ा है, वो डंडे का बिल का भी हम पता कराएंगे उसमें घोटाला कितना बड़ा हुआ है, और इनको तारों को ऊंचा कर उनके ऊपर स्ट्रीट लाइट लगाने का भी काम करेंगे। ताजा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।